अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे क्लास सिक्स की जिसका यूनिट नंबर फाइव एक्सरसाइज 5.1। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 22 में ये रकम आपके सामने है। तो पहले इसकी तरफ जाएंगे, ये क्योंकि प्लस आ गया फिर लार्ज ब्रैकेट है, इसको निकालते हुए इस तरफ हम जाएंगे, छोटी ब्रैकेट की तरफ जाएंगे। तो ये हल करते हैं, ये देखें, ये 2.04 प्लस और ये 2.82 डिवाइड का डिवाइड रखें, क्योंकि पहले मिडिल ब्रैकेट हमने हल करनी है सारी। ये 2.4 और माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें, ये 39 पॉइंट जो है वो 2 डिजिट के बाद है, तो पॉइंट इस तरफ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, इधर ज़ीरो लगा दें और प्लस ये 0.6। और अब हमने इसको ये माइनस करना है और ये प्लस कर दें। अगर ये छोटी ब्रैकेट साथ रखते हैं तो ये आपके लिए आसानी होगा कि पहले इसको हम जमा कर देते हैं। ये देखें 0.39 और ये 0.6, इसको हम जमा करते हैं तो ये हो जाएगा 9 और ये भी हो जाएगा 9 और 0.0। तो ले लेते हैं यहाँ पे 2.04 और प्लस ये लार्ज ब्रैकेट 2.82 और ये डिवाइड मिडिल ब्रैकेट 2.4, यहाँ माइनस है, माइनस लगा दें और ये आंसर आया इसका 0.99। अब 2.4 से 0.99 माइनस करेंगे, इधर कर देते हैं 2.4, 0.99 इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ ज़ीरो बढ़ा दें तो एक इस तरफ 10 में से 9 गए 1, इधर बचे 3, एक इस तरफ आया 13 में से 9 गए, ये बचे 4 और ये पॉइंट यहाँ बचा 1, तो 1.41। 2.04 और प्लस 2.82 और ये डिवाइड 1.41। अब हमने लार्ज ब्रैकेट को हल करना है, ये 2.04 और ये प्लस, देखें 1.41 की 2.82 पे टेबल 2 टाइम्स जाएगी, क्योंकि 141 को 141 में जमा कर दें तो 282 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। और जब हम इसे जमा करेंगे तो ये जमा इस तरह होगा, ये देखें, ये 2.04 और 2 यहाँ पे, क्योंकि ये सही अदद है, होल नंबर है, तो होल नंबर के साथ ही जमा होगा, तो ये 4, ये 0 पॉइंट और ये 4 हो जाएगा, तो 4.04, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 भी साथ कर लेते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, सिंप्लीफाई करना है, ये रकमें आपके सामने मौजूद हैं। पहले यहाँ पे डिवाइड की तरफ चले जाएंगे हम, तो ये लार्ज ब्रैकेट वैसे की वैसी, मिडिल ब्रैकेट भी वैसे की वैसे रख दें। अगर ये हल करना चाहें तो ये हम भी हल कर सकते हैं, क्योंकि ये मिडिल ब्रैकेट में है और ये बाहर है, तो यहाँ पे हम ये हल कर दें तो ये 7.45 से ये माइनस हो जाएगा 1.35, इधर कर लेते हैं, ये देखें 7.45, इसमें से 1.35 ये हम माइनस करेंगे तो ये जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6.10 और प्लस यहाँ 1.5 मिडिल ब्रैकेट ये बंद करते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई है। यहाँ पे देखें,
ये डिवाइड की पोजीशन में है, तो इसको थोड़ा सा वाजे करने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि इसकी पॉइंट एक अदद करके ख़त्म कर दें और यहाँ भी एक अदद छोड़ के पॉइंट इधर दे दें, इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20.5 और डिवाइड बाय, और ये हो जाएगा 25, क्योंकि दोनों तरफ हमने एक ही अमल किया है, ये एक अदद छोड़ के पॉइंट ख़त्म कर दी और यहाँ पर एक अदद छोड़ के पॉइंट हमने इधर दे दी, तो ये लार्ज ब्रैकेट होगी। तो यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट और ये दोनों आपस में जमा होंगे, तो इधर मैं जमा कर देता हूँ, आप देखते जाएं, ये प्लस, ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया 6 पॉइंट और ये हो गया 7.60 और 0। तो यहाँ पे अब ये मल्टीप्लाई, ये देखें, ये अब हम डिवाइड करेंगे तो 25 की टेबल 12 पे 0 टाइम जाएगी, फिर हम पॉइंट दे देंगे और ये हो जाएगा 125, तो 125 पे 25 की टेबल जाएगी 5 टाइम्स। ये अगर डिवाइड करके देखें तो यहाँ देखें 0.5, ये 25 इस पे 0 टाइम जाएगी, तो ये 0 0 लगा दें तो ये हो जाएगा 12, नहीं जा रहा तो पॉइंट दे दें और फिर ये 5 ले आएँ तो कितनी मतलब आ जाएगी, 5 टाइम जाएगी, तो ये 125 हो जाएगा। तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देता हूँ आपको मैं, ये देख लें 0.5, तो ये 5 को 0 से 0, 5 को 6 से तो ये हो जाएगा 30, हासिल 3, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें 35 और 3 38 हो जाएगा, और पॉइंट देंगे कितने अदद के बाद, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट दे दें तो इन 0 की कोई हैसियत नहीं है, तो यहाँ पे 3.8 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 3.8, चेक कर लें, बिल्कुल यही जवाब है आपका बुक में। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई, नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।